पिछले तकरीबन 2 महीनों से हमने कोई बात मिंबर पे बैठकर नहीं की। पेश नजर हुकूमत वक्त की हिदायत, अपने बुजुर्गों की बात, लेकिन आप हजरात देख रहे हैं कि वतन अजीज में हमारे हुक्मरान किस तरह फिरका वारियत को फरोग दे रहे हैं और फिरका परस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे लिए मसाजिद बंद, जुमा बंद, तरावियां बंद, एतिकाफ बंद, रमजान की इबादात बंद, और दूसरी तरफ पूरा प्रोटोकॉल है उसके लिए ताजिर की जरूरत की दुकान भी बंद, सड़क भी बंद, और ये उन्हें हमेशा ये प्रोटोकॉल मिलता है और मिलता रहे हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन मसाजिद क्यों बंद हो, जुमे पर पाबंदी क्यों हो, रमजान की इबादात क्यों रोकी जाए, तरावी इसके लिए क्यों इंतजामी हरकत में आ जाए, एतिकाफ इससे मुसलमानों को क्यों महरूम रखा जाए। मेरे अजीजो, हम भी घरों में सिमट के बैठ गए हैं, आपके इर्द गिर्द मसाजिद बंद पड़ी हुई, सिमट के बैठ गए हैं। अल्लाह के घरों को आबाद करो, किस अंदाज से ये पूरा रमजान दीनदार तबके को जहनी टॉर्चर दिया गया, जहनी टॉर्चर दिया गया। वकील भी बोलता है मसाजिद, डॉक्टर भी बोलता है मसाजिद, सहाफी भी बोलता है मसाजिद, एंकर भी बोलता है मसाजिद, जज भी बोलता है मसाजिद, अब कोई क्यों नहीं बोलता, अब क्यों क्यों नहीं बोलता, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता। वायरस है, लेकिन इसे आप अहले दीन के खिलाफ, ताजरों के खिलाफ, सनतकारों के खिलाफ, मुल्क के अदम इस्तेकाम की तरफ इसे ले जाएं और मुल्क को फिरका वारियत में झोंक दें। वतन अजीज, मुहिब वतन मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहले दीन इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, इस मुल्क का तहफ्फुज़ चाहते हैं, लेकिन हुक्मरान फिरका परस्त हैं, ये फिरका वारियत को फरोग दे रहे हैं। इंतजामिया में काली भेड़िया हैं जिन्होंने मसाजिद के खिलाफ, अहले दीन के खिलाफ, और इंतजामिया और जराए अबलाग में एक लॉबी है जिसने मसाजिद को खास तौर पे टारगेट किया गया है, और नादान डॉक्टर तबीब भी इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह के घर, क्या हम एसओपीज इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इसका एहतमाम नहीं कर रहे? पूरे कराची, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा एसओपीज का इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में हो रहा है, लेकिन ये टारगेट है। बहरहाल जुमा भी होगा, तरावी भी होगी, ताक रातें भी होंगी, आबाद होगी मस्जिद, तरावियां भी होंगी, लेकिन आप लोगों को भी हिम्मत करनी होगी, आप लोगों को भी अल्लाह का घर आबाद करना होगा। अभी ईद की नमाज इन्हें सताएगी, अभी ईद की नमाज आने वाली है, अभी इन्हें सताएगी। डॉक्टर भी बैठेंगे, सरहदान भी बोलेंगे, एंकर भी बोलेंगे, सहाफी भी बोलेंगे, हुक्मरान भी बोलेंगे, ईद की नमाज ये फिर सताना शुरू कर देगी इन्हें। ये हमारी कमजोरी है, और ये हमारी कमजोरियों से ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये तो हमारी शराफत है, हम नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर बदमनी, हम नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर फिरकावारियत, हम नहीं चाहते लोगों की जिंदगियों से खेलना, लेकिन ये भी तो जुल्म है कि तमाम तर एसओपीज के एहतमाम के साथ फिर मसाजिद अहले दीन, अहले मदारिस, मुसलमान ताजिर को जहनी टॉर्चर किया जा रहा है। हिम्मत करनी होगी, हौसले से काम लेना होगा, दीन से, मसाजिद से, दीनी शायद से अपनी वाबस्तगी दिखानी होगी, वाबस्ती की दिखानी होगी। तो जुमा भी होगा,
और इंशाअल्लाह तरावियां भी होंगी, ताकरातों का सिलसिला भी होगा। अल्लाह के घरों में आए, आबाद करें। कोई गुंजाइश नहीं है घरों में फर्ज नमाज पढ़ने की, कोई गुंजाइश नहीं है घरों में जुमा पढ़ने की। अल्लाह के घर है। ये वायरस, ये वायरस अगर इसने आना है तो किलों के अंदर भी आके रहेगा। कोई नहीं बचा सकता इसे, कोई नहीं बचा सकता इस वायरस से हमें। लेकिन अगर आप मस्जिद में आते हैं और आपको खौफ है वायरस, एहतियाती तदाबीर करें, अल्लाह पे भरोसा करें। मुसलमान की जिम्मेदारी यह है बस, जो उसके पास गुंजाइश है तदबीर इख्तियार करने की वो करे। अल्लाह के घरों से मुसलमानों को दूर किया जा रहा है, हम अल्लाह के घरों से दूर हो रहे हैं, क्या दुख की बात है। मुसलमानों को एक ताकत तवानाई रमजान में मिलती थी और उस तवानाई से वो पूरा साल सिराते मुस्तकीम पे चल पड़ता था। कितनों की जिंदगियां बदल जाया करती थी, कितनी की जिंदगियों का रुख बदल जाया करता था। पूरा महीना हमें जहनी टॉर्चर दिया गया, जहनी तौर पे परेशान रखा गया। कभी हम नीचे अंधेरों में नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं लाइटें बंद कर रहे हैं, क्या हम मकबूजा कश्मीर में हैं, क्या हम काफरों के मुल्क में हैं। जब हमारी हरकतें मुसलमानों के साथ मस्जिद के साथ ये होंगी तो फिर हिंदुओं पे क्या रोना कि उन्होंने मस्जिद ढा दी, उन्होंने अजानों पे पाबंदी लगा दी, उन्होंने अल्लाह के घर बंद कर दिए, हम क्या कर रहे हैं। तो हौसले से काम, बड़े दुख की बात है। अब तक मस्जिद जुमे के लिए बंद है, फर्ज नमाज पढ़ना गुनाह बन गया क्या? छोटा सा दरवाजा खुल रहा है फर्ज नमाज के लिए, अल्लाह के घर में आना मुश्किल क्या? हम मुसलमान नहीं है, इस्लामी मुल्क में नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखिए, स्टोर भी बंद है, किराना की दुकान भी बंद है, सड़कें भी बंद हैं, कंटेनर भी हैं, प्रोटोकॉल है। मैं अर्ज कर रहा हूं दो प्रोटोकॉल, लेकिन हमारे साथ जुल्म मत करो, मस्जिद पे जुल्म मत ढाओ। एतिकाफ नहीं है, सैकड़ों लोग एतिकाफ बैठा करते थे मुसलमानों के घर, अल्लाह के घरों में जिंदगियां बदल जाया करती थी। तवरावियों के अनवारात थे, कुरान सुना जाता था, एक रौनक थी, अल्लाह की रहमतें नजर आती थी। क्या हाल है इस वक्त? तो ईद की नमाज भी होगी और एहतमाम से होगी। मैंने कहा बाहर जगह ना हो, सड़क पे बनाए, हां एसओपीज का इस्तेमाल एहतमाम हो, उसका हम एहतमाम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं। जब से ये मामला है गेटों पे मुस्तकिल मास्क इस्तेमाल हो रहा है, हजारों इस्तेमाल कर चुके हैं, अदिया कर चुके हैं, हम उन हिदायात पे अमल पैरा हैं। लेकिन ये क्या जुल्म है कि तरावियां नहीं है, एतिकाफ नहीं है, वहां मजलिसे भी हैं, जुलूस भी हैं, सब कुछ है। ये फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है, ये तासुब को फरोग दिया जा रहा है, ये फिरका परस्त हुक्मरान इस मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर आबाद होंगे ना भाई? हां, घरों में नमाज नहीं, फर्ज नमाज घरों में नहीं, मस्जिद को आबाद करें, अल्लाह के घरों को आबाद करें। फिक्र हो कि अल्लाह के घर क्यों बंद हो भाई, मुसलमान माशरे में अल्लाह के घर बंद। रमजान का ये मुकद्दस महीना है, चंद बातें अर्ज करनी है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, रमजान क्यों आया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मेरा और आपका इस दुनिया में आना है, उसकी चाहत हुई तो मैं और आप आए हैं, और जाएंगे भी उसी की मर्जी से, आना भी उसी की मर्जी से है, जाएंगे भी उसी की मर्जी से। हम आए भी अपनी मर्जी से नहीं है, जाना भी हमारा अपनी मर्जी से नहीं है। दरमियान की जिंदगी का जो अरसा है, ये जिंदगी कैसे गुजारनी है उसी जात ने बनाया है कि जिंदगी का मकसद तुम्हारा क्या है, उसे हक है, उस जात ने भेजा है, और उसी की मर्जी से इस दुनिया से जाना है।
उसी जात ने मेरे और आपकी जिंदगी का मकसद बताया है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तुम्हारी जिंदगी का मकसद मेरी बंदगी है। ये मेरी जिंदगी का, मेरे और आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह ने बता दिया। अल्लाह की बंदगी है तो बंदा है, वरना सरासर शर्मिंदगी है। अल्लाह की बंदगी के इस दुनिया में आए हैं। और याद रखें मुसलमानों, मेरे और आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी है, और इस्लामी रियासत, इस्लामी मुल्क, इस्लामी हुकूमत का फरीजा और जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के लिए ऐसी फिजा हमवार करे जिससे मुसलमान अल्लाह की बंदगी एहतमाम से कर सके। الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر। فرمایا جب اللہ مسلمانوں کو اقتدار دیتا ہے زمین پہ اختیارات دیتا ہے امكناهم في الارض کیا کرتے ہیں زمین پر اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اس اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے कि वहां अल्लाह की बंदगी की फिजा हमवार की जाए, नमाज का एहतमाम, नमाज का माहौल, और ऐसी फिजा नमाज की बनाई जाए कोई मुसलमान बिन नमाज के न रहे। अमरू बिल मारूफ वनहौ अनिल मुनकर, ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है। मुसलमान हुक्मरानों का फरीजा पहली अव्वलीन जिम्मेदारी है। वह अमरू बिल मारूफ ونهوا عن المنكر, वहां नेकियों को फरोग मिले, वहां नेकियों को फरोग मिले, उसकी हौसला अफजाई हो, उसकी इशात हो, और बुराई और गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी उसके बीज कुनी हो, उसकी हौसला शिकनी हो, उसके लिए रुकावटें खड़ी हो। लेकिन ये कब होगा? जब मुसलमान अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी बनाएंगे तब ऐसे लोग ऊपर आएंगे ना। और जब अमूमी तौर पे मुसलमान अपनी जिंदगी से और जिंदगी के मकसद को फरामोश कर बैठेगा फिर ऐसे ही आएंगे जैसे आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, आमालुकुम उम्मालुकुम, बदअमालियों की एक बड़ी सजा यह होती है, जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाते, बेदीन मुसल्लत हो जाते हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं। ताजर के साथ क्या हो रहा है, सनतकात का साथ क्या हो रहा है, मजदूर का क्या हाल है, कितने घरों के चूल्हे बुझ गए हैं, फकर फाका है, कोई एहसास नहीं है। और दूसरी तरफ अल्लाह के घर वीरान कर रहे हैं। तो जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा है, अल्लाह की रजा। बाकी सारी चीजें जिंदगी की ये जरूरियाती जिंदगी हैं, ये जरूरियाती जिंदगी हैं, तिजारत, जरात, खाना पीना, रहायश, मेहनत मजदूरी, ये सब जरूरियाती जिंदगी हैं, ताकि मकसद बआसानी पूरा हो सके, ताकि अल्लाह की बंदगी बआसानी ये मंजिल तय हो सके। एक बच्चा इम्तिहान हाल में जाता है और उसके यहां एक पेश नजर एक मकसद होता है, पर्चा अच्छा हल हो, लेकिन साथ वो बहुत सारी जरूरियात भी इस्तेमाल करता है, पानी भी पीता है, पंखा भी चलाता है, लाइट भी लेता है, कुर्सी भी इस्तेमाल करता है, ये सब उसकी जरूरियात हैं। लेकिन इन जरूरियात के खातिर कभी अपने मकसद को फरामोश नहीं करता। अगर कोई नादान आदमी इन्हीं चीजों में उलझ कर बगैर पर्चा किए वापस आ जाए, क्या कहा जाएगा? बड़ा नादान अहमक आदमी है, बड़ा नादान है। और अगर मकसद अपना पूरा कर ले, पर्चा अच्छा हल कर ले, और साथ साथ ये जरूरियात भी इस्तेमाल कर ले, क्या कहा जाएगा? बड़ा समझदार आदमी, मकसद पे आ गया। तो मेरे अजीजों, जिंदगी की सारी सारी जरूरियात ये उसी वक्त मुबारक हैं, ये उसी वक्त मुबारक हैं, ये उसी वक्त बायस अजर है, इससे उसी वक्त अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा जब मेरे और आपकी जिंदगी जीने मरने का मकसद अपने अल्लाह को राजी करना होगा। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज बड़ी चीज है, कुर्बानी बड़ी चीज है, लेकिन अल्लाह को मुझ और आपसे मतलूब क्या है?
मेरा और आपका अल्लाह मुझे और आपसे चाहता क्या है? जीना और मरना ये सब कुछ अल्लाह की खातिर हो, जीना और मरना ये सब कुछ अल्लाह की खातिर हो, अल्लाह मुझे और आपसे ये चाहते हैं। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जीना भी अल्लाह के लिए हो, मरना भी अल्लाह के लिए हो। जब जिए तो अल्लाह को राजी करके जिए, और अल्लाह करे जब रूह निकले तो मेरा और आपका अल्लाह हमसे राजी हो। ये जिंदगी का मकसद है। करीम मौला है, अल्लाह की रहमत और शफकत इसे कहां गवारा कर सकती है कि मेरा बंदा मुझे से दूर हो जाए, मेरा बंदा मुझे से दूर हो जाए। मां भी अपने बच्चे पे शफकत खाती है, लेकिन अल्लाह तो अपने बंदे से 70 गुना ज्यादा शफकत और प्यार करने वाले हैं। कहां अल्लाह को यह पसंद है कि मेरा बंदा मुझे से दूर हो जाए। 11 महीने गफलतों में गुजरती हैं, अपने अपनी जिंदगी के जरूरियात में गुजरती हैं, और बसावकात जिंदगी का मकसद नजरों से ओझल हो जाता है, दिलो दिमाग से फरामोश हो जाता है। अल्लाह रमजान का महीना देता है, अल्लाह रमजान का महीना देता है, और रहमत की रहमत का शामियाना भी लगा देता है, रहमत का शामियाना भी लगा देता है। चलो आ जाओ मेरे दर की तरफ, आ जाओ मेरे दरबार की तरफ, मेरी रहमत अब बहाने ढूंढ रही है, नवाजने के बख्शिश के बहाने ढूंढ रही है। और पेश नजर यह है कि ये एक महीना कुछ ऐसा गुजर जाए कि फिर जिंदगी के मकसद पे आदमी आ जाए, ये एक महीना ऐसा हो जाए कि जिंदगी का मकसद तरोताजा हो जाए। आए क्यों हैं, जाना कहां है, आए क्यों हैं, जाना क्या कहना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये रमजान का महीना सिर्फ अफतारी के लिए नहीं, सिर्फ सहरी के लिए नहीं, सिर्फ चंद अमाल के लिए नहीं, ये रमजान का आता है जिंदगी को मकसद पे डालने के लिए, जिंदगी को मकसद पे डालने के लिए कि इन घड़ियों में कुछ अल्लाह से ऐसा मामला तय हो जाए, अल्लाह से कुछ ऐसा ताल्लुक बन जाए कि बकिया जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी पे गुजरे। और मेरे अजीजों, कोई नहीं पता किसकी जिंदगी की कितनी घड़ियां बाकी हैं, कुछ नहीं पता कितने लोग हैं जो दाएं बाएं मेरे और आपके जानने वाले हैं, पिछले साल जमीन के ऊपर थे और आज वो मनोमन मिट्टी के नीचे हैं। किसे पता कौन अगले साल यहां रहता है। लेकिन क्या ही अच्छा है इन घड़ियों में हम अपनी जिंदगी के मकसद पे आ जाएं, और हम दिलो जमात से फैसला कर लें कि अब जिंदगी गुजरेगी तो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की गुजरे, कुछ भी हो जाए हर हाल में अल्लाह के हुक्मों की तामील होगी। ये फैसला करना है, इसके लिए रमजान की इबादत है, रातों का रातों की तहज्जुद है, सदका खैरात है, कसरत से कुरान की तिलावत है, दुआओं में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है। ये सारी चीजें इसलिए कि अंदर तवानाई आ जाए। मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जैसे एक कतरे को समुंदर और दरिया से कोई निस्बत नहीं, पूरे साल अल्लाह की रहमत बरसने वाली रहमत इस रमजान की रहमतों और बरकतों से इतनी भी निस्बत नहीं जितने इस एक कतरे को दरिया और समुंदर से होती। इस कदर अल्लाह की रहमत की बरसात है इन महीने में। तो ये घड़ियां हैं मेरे अजीजों, और इन घड़ियों की सबसे बड़ी इबादत और इन घड़ियों का सबसे बड़ा फरीजा, इन रातों की सबसे बड़ी इबादत और इन रातों का सबसे बड़ा फरीजा, आयशा रजी अल्लाह तआला उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की रूहानी अम्मा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह किसी को रमजान की और शबे कदर की रात मिल जाए तो कौन सी इबादत करे। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा यूं कहा करो अल्लाह के सामने, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन करीम तुहिब्बुल अफवा फाअफू अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन करीम तुहिब्बुल अफवा फाअफू अन्ना। ऐ अल्लाह तू माफी को बहुत कसम पसंद करता है, तू बड़ा ही करीम है, बड़ा ही मेहरबान है, ऐ अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे।
इन घड़ियों का सबसे बड़ा फरीजा, सबसे बड़ी इबादत अल्लाह के सामने सच्ची निदामत, सच्ची तौबा है। ये इन रातों की सबसे बड़ी इबादत है कि अल्लाह से सच्ची सुलह हो जाए। मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, एक आदमी सहरा में सफर कर रहा और उसकी जिंदगी का सारा सामान उसकी सवारी पे है, पड़ाव डालता है, आराम के लिए लेटता है, आंख खुलती तो सवारी नजरों से ओझल है, पानी भी उसी में है, खाने पीने का सामान भी उसी पे है, जिंदगी का सारा सिलसिला उसी सवारी पे है, नजरों से ओझल है, बिसियार तलाश करता है, मायूस होके मौत का इंतजार करता है, आखिरी सांसों के निकलने की फिक्र में बैठ जाता है, इतने में उसे सवारी नजर आती है। बताइए, ये शख्स जो जिंदगी से मायूस होके बैठा रहा और अब उसे जिंदगी की उम्मीद हो चली है, बताओ कितनी खुशी होगी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना इस शख्स को खुशी होती है जब कोई बंदा अल्लाह के सामने सच्ची सुलह और तौबा कर लेता है, अल्लाह को इससे भी ज्यादा खुशी होती है। इलाही अब्दुकल आसी कद अताक मुकिर्रम बिज़्ज़नूबि वकद दाक फइन तगफिर फइन लिज़ालिका अहलु फइन लम तगफिर फमन यगफिर सिवाक। मौला तेरी चौखट पे आए हैं, ये भी पता है दामन में एक नेकी भी कोई नहीं, लेकिन मौला तेरे दर के सिवा कोई दर भी तो नहीं, जाए कहां पनाह कहां मिले, जाए कहां पनाह कहां मिले। ए मौला, मैं अपने गुनाहों का इकरारी मुजरिम हूं, तेरा दर पे अगर माफी ना मिली कहां मिलेगी। इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, कोई बंदा इस निदामत के साथ अल्लाह के दर पे आए, अल्लाह की रहमतों के बरकतों के दरवाजे इसके लिए खुल जाए। तो मेरे अजीजों, इन घड़ियों की सबसे बड़ी इबादत सच्ची तौबा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसका एहतमाम नसीब फरमाए। फिर वो बात अर्ज करूंगा, मसाजिद को आबाद करें, अल्लाह के लिए मसाजिद को आबाद करें, अल्लाह के लिए मसाजिद को आबाद करें। हर घर का फर्द मसाजिद का रुख करे, अल्लाह के घरों को आबाद करें, अल्लाह के घर आबाद होंगे इंशाअल्लाह, हमारे घर, हमारे बाजार, हमारी गलियां सभी आबाद होंगी। हाँ, एसओपीज के इस्तेमाल एहतमाम के साथ इसका एहतमाम हो।